शिरोमणि अकाली दल बादल के सदस्य गुरबख्श सिंह मोंटू शाह ने बीते दिन अकाली दल दिल्ली सरना पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के मीडिया प्रभारी परमिंदर सिंह ने अपनी प्रक्रिया दी, आइए सुनते हैं। देखो, इस तरह का कोई पैमाना नहीं है कि सत्कार नु नापया जा सकता होए ते जान वाले नु ना तो कोई रोक सकया ना रोक सकता है। जिथे तक गल है मोंटू शाह जी दी, मोंटू शाह जी दे उपर एक औरत ने रेप केस दा इल्जाम लगाया, उहदे बाद इन्हां दी फोटोआं सोशल मीडिया ते वायरल होईआं, टोपी वालीआं भी। पार्टी तां वी इन्हां दे बचाव विच खड़ी रही, पार्टी उन्हां दे मान सन्मान सत्कार नु अज तक बहाल रखिआ, उन्हां नु अपना GHPS फतेहनगर दा चेयरमैन बना के रखिआ, हर तरह दा पार्टी ने मान सत्कार दित्ता। हुण उस मान सत्कार की की परिभाषा अपने हिसाब नाल कढ़दे ने उहदे बारे साडा कोई परेशानी नहीं है, उहनां दी मर्जी है। दूजी गल इह हैगी है कि पार्टी ने टिकट देनी है और टिकट देनी है काम के आधार से, असीं गल पहले भी प्रधान साहब कह चुके ने। अगर इस तरीके ने किसी लगता है कि उहदी टिकट च खतरा है और दल बदल या मौका प्रस्ती का सहारा लैंदा है तो उहदे कोई नवीं गल नहीं है, चोणां दे वेले हुंदा है। इस नूं कित्थे वी इह नहीं देखिया जा सकता कि कितें कोई पार्टी कमजोर हो रही है या ताकतवर हो रही है। मैनूं इह समझ नहीं आउंदी कि इक रेपिस्ट दे आरोप लगाउण वाले बंदे दे उपर, जिस दे उत्ते सरना साहब कल तक प्रधान साहब ते जनरल सकत्तर साहब दा इस्तीफा मंगदे सी कि उहनूं पार्टी चों कढो ते जां इस्तीफा दिओ, अज उस बंदे नूं अपनी पार्टी चों निघा स्वागत करदे ने। ते सवाब तां मेरे हिसाब नाल सरना साहब नूं जाके तां लैणा चाहीदा है कि उह किस तरीके नाल अज इस गल दे उत्ते खुशियां मना रहे ने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तुसीं रिकॉर्ड चैक कर लो, जदों असीं टिकट दित्ती सी उस टाइम मोंटू शाह जी ते कोई भी किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं सी, कोई सियासी इल्जाम नहीं सी, कोई समाजिक इल्जाम नहीं सी, कोई आर्थिक इल्जाम नहीं सी। ते अगर अज सरना साहब उन्होंने टिकट देंदे ने ये तो संगत फैसला करेगी ना, वोट उन्होंने संगत ने देना, ही थोड़ा देना। असी नहीं लगाया ए इल्जाम, बकायदा FIR दर्ज हुई, मुकदमा होया और स्टाफ दे किसी मैंबर लेडीज मैंबर ने लगाया सी और सारा तथ्य ते सबूत कोर्ट च कार्रवाई चल रही, उस ते साडा बोलना ठीक नहीं है। जो तक कोई बंदा आरोपी साबित ना हो जाए तद तक असीं आरोपी नहीं कह सकते, लेकिन ओह उहदे विच नामजद ने। इस करके अगर उस टाइम सरना साहब इस्तीफा मंगदे सी इस कारण लैके, ते अज ओह पार्टी दे विच निघा स्वागत कर रहे ने, ते सरना साहब दी दोहरी मानसिकता और ढकोसला या पखंडी है, इस तों इलावा तो कुछ नहीं है। देखो मैं तुहानूं की कहा कि साडे कोल 46 सीटां ने, असीं 46 बंदिआं नूं उतारना है, साडे कोल दावेदार 70-80 ने। हुण उहदे विचों अगर कोई अपना मौका प्रस्ती दे हिसाब नाल टिकट वास्ते इधर उधर छाल मारदा है तो उहनूं डड्डूआ दी छाल नूं की गिणिया जा सकदा, कोई उहदी गिणती नहीं हैगी। देखो 84 ते सरना साहब दा नैतिकता दे आधार ते बोलना ही नहीं बनता। जिहड़े बंदे सज्जन कुमार ते टाइटलर नूं जफिया पा के सरोपे पाउंदे रहे, उह 84 ते किहड़ी नैतिकता दे आधार ते बोलदे ने। सरना साहब ने कल इक फेसबुक पोस्ट पाई सी, उह हैरानी सी, उस च 5 कमेंट मैं पढ़े, 5 तों 4 इहनां दे खिलाफ सी और उहदे विच साफ लोग की है कह रहे सी कि तुसीं कहड़े मुंह नाल 84 दी गल करदे हो। सरना साहब थर्मामीटर आपे चैक कर लिया करो अपना, तुसीं इल्जामबाजी करदे हो। तुसीं कहंदे हो जी 1000 करोड़ रुपया क्यों मंगिया, तुसीं दिल्ली कमेटी अज क्यों जागी, इह वोटां दा ध्रुवीकरण कर रही है। सरना साहब तुसीं 84 दे मसले ते कुछ नहीं कीता, असीं लड़ाई लड़ रहे हां, अज वी साडी बड़ी वड्डी जित होई है दिल्ली हाई कोर्ट दे विच। सज्जन कुमार ने जो सिख जज दी निष्ठा ते सवाल चुके सी उस मसले ते, सज्जन कुमार दी पटीशन नूं दिल्ली कमेटी ने खारिज कराया और अज साडी बड़ी वड्डी जित होई है, असीं काम कर रहे हां। 84 दे मसले जिन्नी सीरियस ते असीं लड़ाई लड़ रहे हां, ओह कदे किसे कमेटी ने दिल्ली कमेटी दे इतिहास विच अज तक नहीं लड़ी 32 सालां दे विच, इह गल असीं दावे नाल कह सकने हां। इस करके सरना साहब दे किसे वी 84 दे मसले ते बोलण दा कोई हक नहीं है, ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੰਧ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 8,55,000 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਔਰ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 85,500 ਰੁਪਇਆ 300 ਕੱਟੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਔਰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਬੰਸਲ ਸੀਮਿੰਟ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀਰੋ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 85,500 ਨੂੰ 8,55,000 ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਤਨੀ ਘਟੀਆ ਪੁਣੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਨੇ ਜੀਰੋ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੋ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਜੀਰੋ ਪਲੱਸ ਜੀਰੋ ਔਰ ਜੀਰੋ ਗੁਣਾ ਜੀਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਰੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, 362,50,00,000 ਰੁਪਇਆ
सीधा सीधा जिहड़ा बीएल कपूर की वैबसाइट है उहदे उपर लिखिया कि 375 करोड़ बाला साहब हॉस्पिटल परचेज किया उन्होंने, और तुसी जे कमेटी दे विच जमा कराया 12.5 करोड़ रुपए जमा कराया, 362 करोड़ 50 लाख रुपया, अभी तो उन्होंने बार बार पूछ रहा कि सरना साहब इस काले माले जवाब दो, अगर असी गलत कह रहे हैं तुसी जाके केस करो बीएल कपूर से, रेडियंट हैल्थ केयर से केस करो, क्यों नहीं साबित किया, अभी तो बार बार कह रहे हैं। जिहड़ी बंगला साहब पार्किंग की गल है उस गल भी साबित किया, एग्जैक्टिव ने बंगला साहब पार्किंग का जिहड़ा करार सी एनडीएमसी नाल उहनूं रद्द करता है, और उसनों रद्द करने के बाद असी वो पार्किंग अब दे उपर अगे दोनों गेट बनाते ने, पार्किंग साड़ी है, अभी तो दोनों रब साबित करते, तुसी पार्किंग दिती सी एनडीएमसी नूं असी वापस ले ली, तुसी होस्पिटल बीएल कपूर दिता सी असी वापस लेके कौम दे हक च पाता। तुसी एक गल नूं क्यों नहीं समझ के राजी कि जिहड़ा होस्पिटल पिछले साल नवंबर सानू मिलिया सी कोर्ट तो असी कानूनी तरीके नाल छुड़ाया सी, उसनों चालू करने में समा लगता है, होस्पिटल चलाना कोई असी डिस्पेंसरी नहीं खोलनी, उहदे वास्ते सारा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पैंदा, तैयार करना पैंदा, और तुहानूं एक दो महीने के अंदर होस्पिटल चलता हुआ नजर आएगा। अभी जो वायदा किया संगत नाल चोणा जाण तो पहले पूरा करके जावांगे, साडा कोई वायदा इहो जिहा नहीं होगा जिहनूं असीं ना लैके जाइए नाल अपने पूरा करके, ना तो दिल्ली दे विच साडी सरकार है ना ही साडा गुरुद्वारा चोण मंत्री है, असीं किवें टाल सकदे हां, अभी तो कोई पटीशन भी नहीं पाई कोर्ट च, साडा तो कोई बंदा भी नहीं गया कोर्ट तक, कोर्ट तक कचहरी तो तुसीं जा रहे हो भज भज के, तो असीं किवें चोणां टाल सकदे हां, साडा तो कोई मसला ही नहीं है, अभी तो कहने तुसीं कल दियां अज करा लो, पता लग जाएगा तुसीं कित्थे खड़े हो। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल sikhvoiceofindia.com।